हेलो साथियों, नमस्कार। वेरी प्रॉफिटेबल एंड हॉट डिमांड लवबर्ड इन 2023, इस विषय के साथ आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बात लाइब्रेरी में। दोस्तों, बहुत सारे साथियों के सवाल थे कि जो लवबर्ड की स्थिति है आज की डेट में, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बड़ा मारा मारी सी है कि कुछ सेल नहीं हो रहा है या कुछ लोग कम रुझान है लोगों का लवबर्ड्स की तरफ से। तो उन साथियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं बता रहा हूँ कि 2023 में कौन सा बर्ड, कौन कौन से बर्ड आपके हॉट डिमांड रहने वाले हैं और जो प्रॉफिटेबल होंगे। लवबर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें देखिए बहुत सारे म्यूटेशन हैं जो हॉट डिमांड रहेंगे और प्रॉफिटेबल भी होंगे। लेकिन उसी श्रृंखला में मैं आगे और बर्ड के बारे में बताऊंगा। मैं आपको एक बर्ड बता रहा हूं, एक म्यूटेशन बता रहा हूं लवबर्ड्स का, जो है लुटिनो ऑपलाइन और डेक ऑपलाइन। डेक ऑपलाइन स्प्लिट इनो, ये भी काफ़ी डिमांड रहने वाली है इसकी और सुंदर भी होता है देखने में, इसलिए एकदम से हॉट लवबर्ड रहेगा ये, हॉट डिमांड रहेगी इसकी और प्रॉफिटेबल भी रहेगा लवबर्ड्स ब्रीडर के लिए, क्योंकि प्राइस भी इसका अच्छा खासा रहने वाला है और कोई चिंता की बात नहीं है। लुटिनो ऑपलाइन और डेक ऑपलाइन। अच्छा, जिन साथियों के साथ अब पास में लुटिनो के स्प्लिट जो निकलेंगे, यानी ग्रीन ऑपलाइन होंगे जो कि स्प्लिट इनो होंगे, वो भी, क्योंकि उनसे आगे की आप बर्ड तैयार कर सकते हैं, आगे जनरेशन तैयार कर सकते हैं, तो वो भी साथ में इसमें। यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं, ये जो लुटिनो ऑपलाइन है, ये दोनों यूविंग हैं और एक ग्रीन ऑपलाइन है, ये यूविंग शायद नहीं है, और अभी इसकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कि है भी या नहीं है, तो थोड़ा सा जैसे इसके और फैदर आ जाएंगे, क्योंकि तो कभी कभी नहीं भी दिखाई देता है कि यूविंग मार्किंग सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर। सिंगल फैक्टर मार्किंग बहुत कम दिखाई देती है, खैर वो डबल फैक्टर सिंगल फैक्टर का कोई मैटर नहीं है, मैटर है लुटिनो ऑपलाइन का कि उसकी डिमांड क्या रहने वाली है। तो साथियों, निसंकोच होके ये पेयरिंग अगर आपके पास है और इस पर वर्किंग कर रहे हैं तो आप करिए, ये 2023 में डिमांड में रहने वाली है। और लवबर्ड्स की ऐसा बर्ड है, ऐसा आपका शौक है जो सारे के सारे शौकों को पूरा करा सकता है। इस पर मैं इन फ्यूचर आपको एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बताऊंगा कि वास्तु एवरी में इतने सारे जो बर्ड्स हैं, जो म्यूटेशन हैं और जो अन्य तरीके के बर्ड्स भी हैं, वो कैसे हैं, वो केवल और केवल लवबर्ड्स की देन है, और वो कैसे हैं ये मैं विस्तार से किसी दिन बनाऊंगा। ये सब जानने के लिए और कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। मैं बार बार आपको जो भी जानकारी मुझे है वो मैं देता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं। ये निकले कैसे हैं, ये इसमें भी लुटिनो है तो उसकी बीक ब्लड लाइन होती है, तो लुटिनो टू लुटिनो निकलते हैं, तो हालांकि अपना अपना तरीका है। ये देखिए, ये इसके मदर और फादर हैं, यानी इसका जो ग्रीन ऑपलाइन यूविंग जो है वो फादर है और लुटिनो ऑपलाइन की फीमेल इसकी मदर है। इस पेयर से ये बच्चे निकले हैं, इनकी ब्लड लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पालने में और उनको फीडिंग कराने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इनोजीन काफ़ी वीक हो जाता है यदि वो एक ही माँ बाप से निकलते रहें और उनसे आप ब्रीड कराते रहें रेगुलर। तब जब एक से बच्चे निकले, दो दूसरे से, फिर उनको ब्रीड पे लगा दिया, फिर उनके बच्चों को ब्रीड पे लगा दिया, तो इस तरीके की जब आप ब्रीडिंग कराते हैं तो जीन वीक हो जाता है। साथियों, जैसा कि मेरा सब्जेक्ट था, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये बर्ड, साथियों जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये बर्ड लुटिनो ऑपलाइन हॉट डिमांड।